चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू फ्लोज इन एन एसी सर्किट अक्रॉस विच एन एसी पोटेंशियल ऑफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हैज बीन अप्लाइड देन द पावर कंजम्पशन पी इन द सर्किट विल बी। देखो पावर का इक्वेशन होता है वी इंटू आई बी होता है, पावर इज इक्वल टू वन अपॉन टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव बी होता है और पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव बी होता है। तो ये पीक वैल्यू है और ये आर एम एस वैल्यू है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन है और फाइव क्या है? फेज डिफरेंस है, ये पॉइंट याद रखना है। तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, कितना पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस अगर पाई बाई टू है और कॉस पाई बाई टू यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पावर कितना आ जाएगा, पावर पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।